हम लोग जब क्लास 10 तक पढ़ते थे ना लाइट के बारे में, तो लाइट के बारे में ही पढ़ते थे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। मतलब ये जैसे कि यहाँ एक स्क्रीन रख दें इस तरह का, और स्क्रीन में एक होल कर देते, और यहाँ से हम लोग पैरेलल रेज ऑफ लाइट इमेजिन कीजिए कि इस दिशा में मूव कर रहा था, और रास्ते में ये बैरियर हो गया। इन सब स्थानों से तो लाइट क्रॉस नहीं करेगा, पर ये जो अपर्चर है, होल को अपर्चर ही बोलते हैं, तो इस अपर्चर से लाइट क्रॉस करेगा। अगर हम सामने स्क्रीन रख दें तो हम यही एंटिसिपेट करेंगे कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता हुआ और एग्जैक्टली सेम डायमेंशन का यहाँ एक ब्राइट पैच ऑफ लाइट दिखेगा, बाकी जगह अंधकार होगा, यहाँ पे आपको पैच ऑफ लाइट दिखेगा। यही हम एक्सपेक्ट करेंगे, और आप एक्सपेरिमेंट करें अगर, तो आप मेजर करें अगर इसका डायमीटर और इसका डायमीटर, तो आपको सेम ही दिखेगा। पर सच्चाई ये नहीं है। एक्चुअली में लाइट जो है, एजेस ऑफ ऑब्स्टिकल्स, एजेस मैंने किनारा, ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स मतलब जो लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करें, उनको हम ऑब्स्टिकल्स बोलते हैं। तो किनारों पे जा करके लाइट बेंड करता है हल्का सा, सभी किनारों पे, ऐसे जैसे ही पहुंचा है किनारे पे ऐसे बेंड कर जाए, और एक्चुअली में वहाँ जो पैच ऑफ लाइट बनता है वो इस अपर्चर के डायमेंशन से थोड़ा बड़ा। इतना ही नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा सा रोशनी पहुँचता है, दिखता नहीं है, वो इतना मध्यम है इंटेंसिटी उसका कि आपको यहाँ पे भी एक पतला सा एक रिंग है ऑफ ब्राइट लाइट जो नहीं दिख रहा है। इस ब्राइटनेस के सामने वो नेगलिजिबल ब्राइटनेस है, या फिर थोड़ा दूर बाद एक और बहुत ही पतला सा ब्राइट रिंग बनता है जो और भी बहुत लो इंटेंसिटी का है, पर ये सब ऑब्जर्व नहीं होगा आपको। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट आप करें, एक अपर्चर लें, तो जो जो चीज़ हम आपको बोल रहे हैं जिस तरह का पैटर्न, उस पैटर्न को हम लोग एक नाम दे रहे हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न। और ये जो स्वभाव है लाइट का, बेंडिंग ऑफ लाइट एट एजेस ऑफ ऑब्स्टिकल्स, इस स्वभाव को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये डेफिनेशन है डिफ्रैक्शन का। जैसे इंटरफेरेंस का क्या डेफिनेशन है, एट एनी पॉइंट इन स्पेस व्हेन मोर देन वन वेव्स arrive simultaneously, their combined effect is called interference. एक स्थान पे अगर एक से अधिक disturbance एक साथ एक वक्त पहुंचे, तो उन दोनों का मिला जुला जो असर है उसको हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। और डिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग लाइट से रिलेटेड कई फिनोमेना पढ़ रहे हैं ना, एक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट जब किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराता है तो वो रिबाउंड करता है। कुछ नियम कानून हम लोग जानते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, किस तरह से लाइट टकरा के, ये एक ऑब्स्टिकल है जो लाइट को अलाउ नहीं कर रहा है टू मूव थ्रू इट, तो लाइट टकरा करके रिबाउंड करता है, एक सर्टन लॉज है जिसको ओबे करता है, जो हम लोग जानते हैं, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एक फिनोमेना पढ़े हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम जो लाइट को अलाउ करता है टू मूव थ्रू, इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने दिशा से डेविएट कर जाता है, इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, और अब एक और फिनोमेना हम लोग पढ़ रहे हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, सो यहाँ लिखे हैं, जब भी लाइट किसी भी ऑब्स्टिकल के एजेस से टकराता है तो वहां पे वो थोड़ा बेंड कर जाता है,
ऐसा साउंड वेव्स में भी होता है. इनफैक्ट ये फिनोमेना सब इसलिए होता है क्योंकि लाइट एक वेव की तरह व्यवहार कर रहा है. जैसे हम एक क्लासरूम में के अंदर में, ये मेरा क्लासरूम है और यहाँ एक दरवाजा है, यहाँ खड़ा होकर के जब हम बोलते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जब दरवाजा तक पहुँचता है डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हुआ, तो वो डिस्टर्बेंस बाहर निकल करके स्ट्रेट पाथ में नहीं जाता है, मतलब बिल्कुल दरवाजा के का जो साइज है उतने ही साइज में वो प्लेन वेव फ्रंट्स नहीं प्रोपेगेट करता है. किनारों में भी, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी, यानी कि दरवाजा के बाहर कोई अगर थोड़ा हट के खड़ा हो राइट और लेफ्ट, तो उसको भी आवाज सुनाई पड़ता है. डिस्टर्बेंस जब किनारे पे पहुंचता है तो थोड़ा जैसे कि बेंड कर जाता हो डिस्टर्बेंस दरवाजा के लेफ्ट राइट दोनों तरफ, तो जो किनारे खड़ा है उसको भी आवाज सुनाई पड़ता है. मतलब उसका आवाज सुनाई पड़ने के कारण ही हम ऐसा बोल रहे हैं कि तब निश्चित रूप से साउंड वेव्स बेंड किया होगा, नहीं तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में चला जाता हलचल तो जो भी किनारे खड़ा होता उसको सुनाई नहीं पड़ता, जो उस लाइन ऑफ पाथ में खड़ा होता सिर्फ वही उस आवाज को सुन पाता. पर चूंकि किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति को भी आवाज सुनाई पड़ता है, तो इससे साबित होता है कि साउंड वेव्स बेंड करता है अपने रास्ते से. तो बिल्कुल इसी प्रकार लाइट वेव्स भी बेंड करता है, जब भी वो किसी ऑब्स्टिकल से टकराता है तो वहां पहुंच के थोड़ा बेंड कर जाता है. हाँ, उनका बेंडिंग लाइट का और साउंड के बेंडिंग में अंतर है. साउंड बहुत ज्यादा बेंड करता है अपने रास्ते से, लाइट बहुत थोड़ा सा बेंड करता है. इसीलिए तो हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है. हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज सो मिनिस्क्यूल कि वो हम लोग को एक्सपेरिमेंट से पता ही नहीं चलता है. परंतु जब हम लोग इस अपर्चर के साइज को थोड़ा छोटा करके एक्सपेरिमेंट को रिपीट किए, स्मॉलर अपर्चर, तब बेंडिंग थोड़ा अधिक होने लग गया. और छोटा मतलब जब लाइट का जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ के निकट हम लोग अपर्चर का डायमीटर लाने लग गए. लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा है, नैनोमीटर्स में है. जो विजिबल लाइट है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में है विजिबल रेंज. तो हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम विजिबल रेंज का ही ना कोई लाइट यूज करेंगे. इतना छोटा है, अगर हम येलो लाइट इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल, येलो लाइट का वेवलेंथ है 550 नैनोमीटर. तो जब आपका डायमीटर इतना छोटा होगा उस होल का या उसके करीब होगा, इसका 10 गुना 20 गुना, विच इज अ वेरी वेरी स्मॉल डायमेंशन, यू कैन अंडरस्टैंड दिस. तो जब बहुत ही छोटा डायमेंशन का अपर्चर रखा जाता है तब ये पैटर्न एकदम साफ साफ दिखता है, जैसा आपको बताएं. यानी कि आपका होल होगा इतना छोटा, पिन से, जैसे कि एक होल बनाया हो शार्प पिन से पियर्स करके, और अब स्क्रीन पे जो पैटर्न मिलेगा, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, अब सामने स्क्रीन पे आपको एक ब्राइट पैच मिलेगा जो इस होल के डायमीटर से बड़ा होगा, ब्राइट, और उसका किनारा एकदम डार्क होगा. अब फिर थोड़ी दूर पे एक ब्राइट पतला सा रिंग दिखेगा, इन दोनों के बीच में डार्क जैसा ही दिखेगा, और फिर थोड़ी दूर पे एक पतला सा और ब्राइट रिंग दिखेगा. इस तरह का एक पैटर्न दिखेगा, एज इफ की लाइट यहां यहां तक पहुंच गया हो. इसी पैटर्न को हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि क्यों ऐसा होता होगा. हमको जो भी एक्सपेरिमेंट आपको डिस्कस करना है आपके साथ, उसमें हमारा जो अपर्चर है वो एक होल नहीं बल्कि एक स्लिट है इस तरह का, और सामने एक स्क्रीन है जिस पे हम अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे. इधर से पैरेलल रेज ऑफ लाइट मूव करेंगे. ये स्लिट इतना चौड़ा नहीं होगा जितना अभी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट बीइंग यूज्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज लैम्डा, तो जो स्लिट है, इस स्लिट का जो चौड़ाई है वो लैम्डा के निकट होना चाहिए, थोड़ा अधिक, क्योंकि लैम्डा से कम तो बहुत ही मुश्किल है.
तो हम अभी दिखाएंगे पिक्चर में इतना चौड़ा सा एक रेक्टेंगुलर शेप का एक अपर्चर है, रेक्टेंगुलर शेप का अपर्चर है जिसको हम स्लिट बोलेंगे। स्लिट काफी पतला सा है, हम जो चित्र बनाएंगे वो एग्जैजरेटेड होगा और सामने जो पैटर्न बनेगा वो भी हम लोग एक्सपेक्ट जो करते हैं ना कि एग्जैक्टली इसी शेप का एक यहाँ पे ब्राइट पैच ऑफ लाइट नजर आना चाहिए, पर एक्चुअली थोड़ा सा दूर तक देखिएगा कि आपको ब्राइट पैच ऑफ लाइट इससे थोड़ा चौड़ा, और फिर थोड़े दूर पे एक पतला सा ब्राइट एक लाइन दिखेगा रोशनी का, इधर भी इधर भी बहुत लो इंटेंसिटी का, और फिर थोड़े दूर पे एक उससे भी लो इंटेंसिटी का रोशनी दिखेगा, इस तरह से फेड करता हुआ जिसको हम यहां चित्र में दिखाए हैं, साइड व्यू दिखाए हैं। ये अपर्चर है, इसका चौड़ाई है स्मॉल ए, बहुत एग्जैजरेटेड है, और सामने स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी पैटर्न ऑब्जर्व होता है, इस एक्सपेरिमेंट को कह रहे हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, एक ही स्लिट है चौड़ा सा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट था और दोनों पतला पतला था, बहुत पतला। हमको दोनों में अंतर बताना होगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देयर वर टू स्लिट्स ऑफ नेग्लिजिबल विड्थ, इनका जो विड्थ था वो नेग्लिजिबल था, यानी ईच स्लिट वॉज टू बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, अगर स्लिट है तो पॉइंट नहीं, एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट हो गया, बट एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। और अगर उसका चौड़ाई जो है वन वेवलेंथ है उससे कम का हो तो इट बिहेव लाइक अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, सो देयर वर टू सिंगल सोर्सेज ऑफ लाइट। लेकिन जब इसी को चौड़ा कर दिए, जैसे ये चौड़ा हो गया, आप इसको पतला पतला इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स में इमेजिन कर लीजिए, सब डिवाइड करके, एंड ईच लाइन इज लाइक वन सोर्स ऑफ लाइट, तो यहां इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट है जिसका कि इंटरफेरेंस पैटर्न आप यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक बार फिर से, यहां पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन पे सिर्फ दो सोर्स था जिसका इंटरफेरेंस पैटर्न आप एनालाइज किए, एक सोर्स ये एक सोर्स ये। लेकिन अब जो स्क्रीन पे आप एनालाइज कर रहे हैं, देर आर इनफाइनाइट सोर्सेस, जब आप इसको चौड़ा कर दिए ना स्लिट को, तो उस स्लिट को सब डिवाइड कीजिए, पतला पतला लाइंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस में सब डिवाइड कर सकते हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस का अब इंटरफेरेंस पैटर्न यहां बन रहा है। यहां सिर्फ दो सोर्स थे, यानी डिफ्रैक्शन का जो इफेक्ट दिखता है उसका कारण भी इंटरफेरेंस ही है, वो नहीं भूलना है। माने इंटरफेरेंस का मतलब हम लोग क्या डिफाइन किए हैं, मोर देन वन वे कंबाइनिंग टूगेदर। यहां हम लोग सिर्फ दो सोर्स से आने वाला वेव्स को कंबाइन करके क्या होगा, वही सही। और डिफ्रैक्शन पैटर्न में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सारा खेल ही था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैटर्न में स्लिट का जो चौड़ाई था वो नेग्लिजिबली स्मॉल रखना था, ताकि उनको हम ट्रीट कर सके एज टू सोर्सेस, वन सिंगल सोर्स ईच। अब हम जैसे यहां पे डबल स्लिट पैटर्न में किसी भी पॉइंट पे हम जानना चाहते थे कि इंटेंसिटी कितना होगा लाइट का, तो हम लोग दो सोर्स से आने वाला वेव उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस अगर थीटा एंगुलर पोजीशन पे है डी साइन थीटा, इसी से हम निकाल लेते थे उस स्थान पे पहुंचने वाले दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देते थे 2π/λ। और अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते थे, अगर इन दोनों से निकलने वाला रोशनी ईच
का इंटेंसिटी आई नॉट हो, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई नॉट प्लस टू रूट आई नॉट इन टू कॉस ऑफ द फेज डिफरेंस, इसको फाइव बोल दें। इसी फॉर्मूला से हम लोग इंटेंसिटी निकाले थे, विच इज टू आई नॉट कॉमन लेने पर वन प्लस कॉस फाइव, विच इज फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ फाइव बाई टू, इसको आई मैक्स कह दिए, और अब इसको टू से डिवाइड करके पाई डी साइन थीटा बटे लैम्डा कर दिए। तो किसी भी पॉइंट पे जो हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं वो तभी कर सकते हैं जब आपको दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस पता हो, जिससे कि आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, अब तब फॉर्मूला में जाते हैं। अब कठिन होगा बहुत, क्योंकि अब दो वेव नहीं है, अब स्क्रीन पे किसी भी पॉइंट पे ए विड्थ का एक चौड़ा स्लिट है और उस स्लिट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट सोर्सेस हैं जिनका इफेक्ट आपको वहां पे ऐड करना है। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट होगा? पहले वहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट होगा। अब ये सोर्स और ये सोर्स के बीच में भी एक पाथ डिफरेंस है, फिर उस सोर्स और बगल वाले सोर्स के बीच में भी एक पाथ डिफरेंस है, यहां से वहां तक लेकर जितना भी सोर्सेस है हर सोर्स के बीच में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सम फेज डिफरेंस है। तो उन सब का रिजल्टेंट इफेक्ट ऐड करना होगा। कैसे? अगर इस सोर्स से अराइव करने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस स्थान पे, वो ई नॉट टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी टाइप का है, ईवन लिखे हैं सबसे ऊपर वाला पॉइंट सोर्स। अब हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये इतना चौड़ा स्लिट हो गया, वन सिंगल स्लिट, और यहां से लेकर के वहां तक इनफाइनाइट थिन लाइंस में हम सब डिवाइड कर दिए। ईच थिन लाइन को हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ लाइट, और अब स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट है जो थीटा एंगुलर पोजीशन पे है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या है? वो फॉर्मूला हमको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको याद दिला रहे हैं कि अगर एक सिंगल सोर्स जो ऊपर वाला है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां अराइव कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसके जस्ट नीचे वाला जो सोर्स होगा, मान लीजिए कि उन दोनों के बीच में दूरी है, अगर आप n नंबर ऑफ सोर्सेज में बांटे हैं, n इज वेरी लार्ज, तो इस सोर्स और नेक्स्ट एलिमेंट सोर्स के बीच का जो दूरी है वो a बाई n हो गया। हियर n टेंड्स टू इंफिनिटी, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज। तो ये जो पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में होगा वो a बाई n टाइम्स साइन थीटा, ये छोटा सा पाथ। तो उस वेव और इस वेव के बीच में फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स इतना, और उसके रिस्पेक्ट में ये लैग करेगा, पीछे पीछे चलेगा, यानी उसके चलते जो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा वो ई नॉट टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टाइम्स टी माइनस इतना, ऐसा फंक्शन होगा। फिर जो नेक्स्ट सोर्स होगा वो अनदर इतना ही और फेज डिफरेंस इससे भी लैग कर रहा होगा, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्बेंस वहां अराइव करेगा वो फंक्शन भी आप लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस टू पाई बाई लैम्डा टाइम्स टू ए बाई एन साइन थीटा। इस तरह से यहां से लेकर के एनथ सोर्स एलिमेंट सोर्स तक का भी सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का आप फंक्शन लिख सकते हैं। सबको ऐड करेंगे तो वहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगा, और इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ एम्पलीट्यूड से मतलब है, और एम्पलीट्यूड कैसे ऐड होता है वो हम लोग को याद होना चाहिए। किसी भी एक पॉइंट पे अगर दो सोर्स से डिस्टर्बेंस अराइव कर रहा है, और एक अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एवन एम्पलीट्यूड से पार्टिकल को ऑसिलेट कराना चाहता है और दूसरा ए टू एम्पलीट्यूड का वेव क्रॉस कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो कितना एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम लाइन में ट्रेवल करता हुआ वेव्स को कंसिडर कर रहे हैं, एंगल नेग्लिजिबल है, यानी ये डिस्टर्बेंस भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना चाहता है, ये डिस्टर्बेंस भी ऐसे ऐसे। तो उस पर्टिकुलर पार्टिकल का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो हम लोग
ऐसे ऐड करते हैं, वेक्टर की तरह दोनों एम्पलीट्यूड्स को प्लेस करते हैं और फेज डिफरेंस बिटवीन द टू अराइविंग वेव्स, नॉट दिस एंगल, द फेज डिफरेंस कितना आगा पीछा है, बस इसी से हम लोग को मालूम हो जाता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रूट अंडर ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ट्वाइस ए वन ए टू कॉस ऑफ फाई। फॉर एग्जाम्पल याद दिलाए आपको, किसी एक पॉइंट पे स्पेस में अगर थ्री डिस्टर्बेंसेस पहुंच रहा हो, तीनों ए एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना चाहता है इस पार्टिकल को, और पहला वेव और दूसरा वेव, देर आर थ्री डिफरेंट सोर्सेज एस वन एस टू एस थ्री, सब एक ही पॉइंट पे एस वन एस टू एस थ्री, इन तीनों से डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है, तीनों सेम एम्पलीट्यूड से हिलाना चाहता है इंडिविजुअली, लेकिन एस वन एस टू के बीच में फेज डिफरेंस है पाई बाई टू का। मान लीजिए एस टू इज अहेड ऑफ एस वन बाई पाई बाई टू, यानी एस वन के कारण अगर इक्वेशन ऑफ मोशन है ए कॉस ओमेगा टी, एस टू के कारण जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो ए कॉस ओमेगा टाइम्स टी प्लस पाई बाई टू। हम यही बोले एस टू इज अहेड ऑफ एस वन बाई पाई बाई टू, एंड एस थ्री मान लीजिए वो एस टू से भी अहेड है बाई पाई बाई सिक्स 30 डिग्री, यानी एस थ्री के कारण जो वेव वहां अराइव करता उसका इक्वेशन ऑफ मोशन आप ऐसा लिख सकते हैं प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये सब फंक्शंस को ऐड करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको याद है कि दी एम्पलीट्यूड्स एड लाइक वेक्टर क्वांटिटीज, तो आप तुरंत क्या करेंगे कि एक एम्पलीट्यूड को ऐसे प्लेस करेंगे एस वन के कारण, एस टू के कारण उसको पाई बाई टू अहेड दिखाएंगे उससे, और उससे 30 डिग्री अहेड तीसरा, इन्हीं तीनों को आपको ऐड करना है, दैट्स ऑल। इन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा, इन तीनों फंक्शन को ऐड करने पर फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप का फंक्शन में रिड्यूस हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कीजिएगा। आपको ये एक्सपेंड करके ऐड करने का आवश्यकता नहीं है, हम लोग इस रिजल्ट को समझ गए हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए सिर्फ इन तीनों एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर्स की तरह प्लेस कीजिए विथ प्रॉपर फेज एंगल्स, फेज डिफरेंसेस बिटवीन देम। अब ऐड करते हैं, इसको हम कॉम्पोनेंट में बांटते हैं, ए कॉस 30 डिग्री इस तरफ, ए साइन 30 डिग्री इस तरफ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए इस तरफ और ए बाई टू इस तरफ को ऐड करके हम ए बाई टू दिखा देंगे इस तरफ, और इस तरफ ए प्लस रूट थ्री बाई टू ए को ऐड करके रूट थ्री बाई टू प्लस वन, रूट थ्री का वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाई टू 0.86 ले लेते हैं प्लस वन 1.86 टाइम्स ए, और ये 0.5 टाइम्स ए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट रूट अंडर 1.86 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर टाइम्स ए, इतना ही होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो उसी तरह से इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा पी पे, तो कितना एम्पलीट्यूड का वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इन सब फंक्शंस को ऐड करेंगे ना, तो कुछ ई रिजल्टेंट टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप का फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस पॉइंट पे कितना होगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है उसको एक वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वाला जो वेक्टर है उसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस दिखाते हैं, वही इसके और इसके बीच में जो फेज डिफरेंस है 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स ए बाई एन साइन थीटा, उसको कुछ हम फाई कह लेते हैं, और फिर उतना ही एंगल पे नेक्स्ट को दिखाते हैं, क्योंकि इसके और नेक्स्ट एलिमेंट पॉइंट सोर्स के बीच में भी नेक्स्ट एलिमेंट सोर्स के बीच में भी वही फेज डिफरेंस है। इस तरह से सबको प्लेस करते हैं, तब हम सबको ऐड कर देते हैं, ऐसा ऐसा n वेक्टर्स दिखाएंगे ईच सेपरेटेड बाई 5 5 5। या तो हम इस तरह से प्लेस कर देंगे इन वेक्टर्स को, या हम इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, एक वेक्टर को ऐसे प्लेस किए दूसरे को ऐसे फाई एंगल से रोटेटेड, फिर तीसरे को ऐसे इससे फाई एंगल से रोटेटेड, फिर चौथा को इससे फाई एंगल से रोटेटेड इससे, और यही होगा द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उस पॉइंट।
ये सब हम डिराइव नहीं करने जा रहे हैं। जब उस स्थान पे हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जान जाएंगे तब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तब हम लोग इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन के लिए एक फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे, जैसे कि डबल स्लिट में हम लोग एक ऑब्टेन किए इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट के लिए। थीटा एंगल पोजिशन पे कोई पॉइंट है तो वहां पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग ऑब्टेन किए, आई मैक्स टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बी साइन थीटा बटे लैम्डा, ऐसा एक फॉर्मूला हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। उसको फिर एनालाइज करके हम लोग ये पता लगाते हैं कि किस किस पोजिशंस पे मैक्सिमा होगा और किस किस पोजिशंस पे मिनिमा। मैक्सिमा वहां पे होगा जहां पे इसका वैल्यू 1 होगा, इंटेंसिटी अपने चरम पे होगा। ये 1 कहां पे होगा वो सब निकाल करके हम लोग रटे हैं कि मैक्सिमा मिलता है उन उन पोजिशंस पे जहां डी साइन थीटा का वैल्यू कंटेन करता है मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा, और मिनिमा कहां होगा जहां ये 0 होगा। तो वहां से आता है जहां जहां डी साइन थीटा था ना इस एक्सप्रेशन में पाई टाइम्स डी साइन थीटा बटन, तो जिस जिस पोजीशन पे डी साइन थीटा कंटेन करता हो ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, इसको लिख सकते हैं ना 2n-1 टाइम्स लैम्डा बाई 2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, तो एवेंचुअली हम लोग को इंटेंसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल के उससे पता लगाना पड़ता है द पोजिशंस ऑफ मैक्सिमा एंड पोजिशंस ऑफ मिनिमा, जो कि हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिटेल में एनालिसिस की, इंटेंसिटी भी निकाले फॉर्मूला और एनालिसिस करके हम लोग पोजिशंस ऑफ मैक्सिमा एंड पोजिशंस ऑफ मिनिमा ढूंढे, यानी पोजिशंस ऑफ ब्राइट लाइंस एंड पोजिशंस ऑफ डार्क लाइंस। वैसा ही इस केस में भी इंटेंसिटी का हम लोग एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं जो नहीं निकालेंगे, और उसको एनालाइज करके पता लगा सकते हैं द पोजिशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में सिर्फ जानना है द पोजिशंस ऑफ मिनिमा, यानी कि ये रोशनी इतना चौड़ा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पैच ऑफ लाइट बनना चाहिए पर इतना चौड़ा बनता है, यानी पहला मिनिमा डार्कनेस कहां पे बनता है यही हम जानना चाहते हैं। फर्स्ट मिनिमा एकदम डार्क अंधेरा बिल्कुल, जैसे कि इस स्थान पे यहां से पहुंचने वाला सारा रोशनी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, दी ऑल दी वेव्स, तो वो पोजीशन आता है पोजीशंस ऑफ मिनिमा आता है जहां पे भी इस एंगल को हम थीटा कहें, स्क्रीन पे कोई एक पोजीशन लीजिए उसके हम पोजीशन को थीटा कहें, तो जहां पे भी ए टाइम्स साइन थीटा का वैल्यू इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा कंटेन करता हो उन्हीं उन्हीं पोजीशंस पे हमको डार्कनेस मिलता है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स था डी, यहां विड्थ ऑफ अ स्लिट है एक ही स्लिट है चौड़ा सा और यहां दो स्लिट है पतला पतला, तो जिस एंगुलर पोजीशन पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होता हो डी साइन थीटा इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा वहां वहां मैक्सिमा मिलता है, और इंटरफेरेंस डबल स्लिट वाले पैटर्न में जो पैटर्न बनता है उसमें सारा ब्राइट लाइंस का इंटेंसिटी सेम होता है, फेड नहीं करता है, जबकि इसमें इंटेंसिटी पैटर्न देखिए हम दिखाए हैं जो इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, इस पोजीशन को ये बहुत ही ब्राइट होता है। इसके बाद भी हमको मैक्सिमाज मिलता है जहां पे ब्राइटनेस होता है थोड़े थोड़े दूर पे, पर वो बहुत ही कम ब्राइटनेस का होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंटेंसिटी, जैसे कि सारा रोशनी यहीं पे सिमट गया हो, सारा एनर्जी थोड़ा थोड़ा स्क्रीन पे भी बाकी हिस्सों में फैल गया है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें ऑल दी मैक्सिमाज, दिस इज अ पोजीशन ऑफ मैक्सिमा जहां दिखा रहे हैं इंटेंसिटी अपने चरम पे, दिस इज अनदर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, तो सारा मैक्सिमा इक्वल इंटेंसिटीज का होता है, जबकि इसमें सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी बहुत लार्ज होता है, और बाकी सब जो सक्सेसिव मैक्सिमा है फर्स्ट मैक्सिमा
द सेकेंड मैक्सिमा, ये सब बहुत ही नेग्लिजिबल इंटेंसिटी का होता है। हमारे इंटरेस्ट का होता है पहला डार्कनेस कहां मिलता है, फर्स्ट डार्कनेस, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि कितना चौड़ाई हमको सेंट्रल मैक्सिमा का जो चौड़ाई है वो कितना चौड़ा मिलेगा हमको। ये तो डिपेंड इसी बात पे ना डिपेंड करेगा कि पहला मिनिमा कहां मिलता है। तो हमारे इंटरेस्ट का यही पोजिशन है, बट देर आर मेनी अदर मिनिमाज ऑल्सो। यहां मिनिमा है, फिर एक मिनिमा है, तो किस किस एंगुलर पोजिशन पे हमको मिनिमा मिलता है, उसी इंटेंसिटी वाले फॉर्मूला से निकलता है। ये जो हम आपको फॉर्मूला डिराइव तो नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रेट अवे लिख रहे हैं द पोजिशंस ऑफ मिनिमा, कि ये स्लिट है, सिंगल स्लिट, थोड़ा इस बार हम पतला दिखाए हैं, वहां चौड़ा दिखा दिए। किस एंगुलर पोजिशन पे आपको मिनिमा मिलता है, ये स्लिट बहुत चौड़ा कर दीजिएगा तब आपको पैटर्न नहीं मिलता है, तब आपको ऑलमोस्ट वही दिखेगा जो हम लोग क्लास 10 तक जानते थे, उतना ही चौड़ा एक पैच ऑफ लाइट दिखेगा स्क्रीन पे। जब पतला कीजिएगा तब आपको स्प्रेडिंग दिखने लगता है, जितना पतला उतना प्रोमिनेंट, लैम्डा से भी कम थिकनेस का अगर कर दीजिएगा तो स्प्रेडिंग एकदम इतना दूर तक स्प्रेडिंग हो जाता है, यानी कि आपको जो फर्स्ट मिनिमा मिलता है वो भी 90 डिग्री पोजिशन पर मिलने लगेगा। यही हम जानना चाहते हैं कि पहला मिनिमा कहां मिलता है, क्योंकि दैट डिसाइड्स कि कितना स्प्रेड किया है लाइट। सो एंगल ऑफ स्प्रेड यही है जहां पहला मिनिमा मिला है। तो किस किस पोजीशन पे आपको मिलेगा डिफ्रैक्शन मिनिमा, बस एक फॉर्मूला रटना है आपको, पोजीशंस ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा इन इन पोजीशंस पे, जहां ए साइन थीटा ए टाइम्स साइन थीटा कंटेन करता हो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ वेवलेंथ, उन्हीं पोजीशंस पे। यहां साइन थीटा की जगह थीटा लिख दिए, यानी कि दिस आर द एंगुलर पोजीशंस मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय ए फर्स्ट मिनिमा इस एंगुलर पोजीशन पे आपको मिले। अगर ए का वैल्यू है 10 लैम्डा, जो विड्थ ऑफ द स्लिट है वो 10 वेवलेंथ के बराबर है, तो पहला आपको एंगुलर पोजीशन मिलेगा 1/10। 1/10 ये डिग्री नहीं है, ये सब रेडियन में मिल रहा है, हमें डिग्री में आप कन्वर्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, इसको 180 डिग्री बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देने पर ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये करीब 18.314 से काट दिए हम, 3.14 कुछ 5 डिग्रीज हो गया, 5 डिग्री पे आपको मिलेगा पहला मिनिमम। ए को अगर आप 20 लैम्डा चुन लेते हैं, थोड़ा चौड़ा कर दिए, तो अब स्प्रेडिंग कम हो गया, क्योंकि अब आपको 1/20 इंटू 180 डिग्री बाई पाई, यानी करीब 2 डिग्री पे ही आपको फर्स्ट मिनिमम मिल जाएगा। तो ए को जैसे जैसे चौड़ा कीजिएगा स्प्रेडिंग कम होगा। यही एंगल जो है ना पहला वाला मिनिमा का जो एंगुलर पोजिशन है, दिस इज द मेजर ऑफ स्प्रेडिंग, मेजर ऑफ स्प्रेडिंग। तो जितना ज्यादा ए चौड़ा कीजिएगा ये नंबर छोटा होता जाएगा, यानी कि कम अपने रास्ते से स्प्रेड कर पाएगा लाइट। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मिनिमा इन पोजिशंस पे क्यों मिलता है। खूब ध्यान से देखिएगा, कोई एक पोजीशन हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, थीटा एंगुलर पोजीशन पे, ये हो गया थीटा, ये हो गया ए साइन थीटा, ये चौड़ाई है स्लिट का ए, तो ये हो गया ए साइन थीटा। जो मिनिमा का पोजीशन है, हम आपको बताए हैं कि जब ए साइन थीटा इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ वेवलेंथ कंटेन करता होगा अगर, तो वहां पक्का डार्कनेस मिलेगा, डार्कनेस। हम इस बात को जस्टिफाई करना चाहते हैं आपको, ऐसा क्यों होता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो अगर कोई पोजीशन है जहां पर हमको यह बता दिया जाए कि जो पाथ डिफरेंस है
उसमें मल्टीपल ऑफ लैम्डा 10 लैम्डा कंटेन करता है ये अंतर, तब तो हम पक्का कह देंगे कि वहां ब्राइटनेस मिलेगा डबल स्लिट में। लेकिन यहां ये हो रहा है कि अगर ये पाथ में कुछ 1 लैम्डा, हम पहला पोजीशन ऑफ मिनिमा दिखाना चाहते हैं कि ए साइन थीटा का वैल्यू जब इक्वल टू 1 वेवलेंथ होगा तो वहां फर्स्ट मिनिमा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो आपको सेंट्रल फ्रिंज के बाद फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलता है उस पोजीशन पे जहां पाथ डिफरेंस कंटेन्स 1 वेवलेंथ। तो यहां पे मिनिमा क्यों मिल रहा है? तो यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इस स्लिट को 2 पार्ट में सब डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर यहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इस वाला सोर्स और इस वाले सोर्स ऑफ लाइट के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस सोर्स से पहुंचता हुआ डिस्टरबेंस और ये वाला सोर्स यानी लोअर पार्ट का जो पहला सोर्स है उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट 0 होगा, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा। उसके नीचे एक सोर्स ले लीजिए और उसके नीचे एक सोर्स ले लीजिए, सब वेक्टर्स को ही ना ऐड करते हैं। तो हम दिखाना चाह रहे हैं कि इस फर्स्ट अपर हाफ में जितना भी एलिमेंट सोर्सेज है और जो लोअर हाफ में जो एलिमेंट सोर्सेज है वो पेयर पेयर में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा। अगर यहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इस सोर्स और इस सोर्स के बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। फिर उससे नीचे आइए, दूसरा सोर्स उतना ही नीचे उसका एक जोड़ा सोर्स लीजिए, उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। इस तरह से सारा एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए वहां पे हमको मिनिमा मिलता है उस जगह पे जहां पे पाथ डिफरेंस इक्वल टू 1 लैम्डा हो। पाथ डिफरेंस मतलब उस एंड और इस एंड के बीच में, पाथ डिफरेंस बोलना अनुचित है क्योंकि पाथ डिफरेंस तो तब हम बोलेंगे ना जब दो ही तो सोर्स है। जब इतना सारा सोर्स है तो आप किन दो सोर्स के बीच में बात कर रहे हैं पाथ डिफरेंस? तो ए साइन थीटा यहां पे इज नॉट द पाथ डिफरेंस, अपर मोस्ट सोर्स एंड लोअर मोस्ट सोर्स के बीच का पाथ डिफरेंस आप कह सकते हैं लैम्डा है। सो पोजिशंस ऑफ मिनिमा हम लोग खाली रटना है थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 8, फिर नेक्स्ट एंगुलर पोजिशन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 8 एंड नेक्स्ट मिनिमा का एंगुलर पोजिशन थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 8 और पोजिशंस ऑफ मैक्सिमा। अब पोजिशंस ऑफ मैक्सिमा बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक रिजल्ट है, लेकिन लगभग इन दोनों एंगल्स के बीचों बीच है वो एंगल लगभग, तो आपके लिए उतना ही काफी है याद रखना पोजिशंस ऑफ मैक्सिमा। हर दो मिनिमा के बीच में एक एंगल दिस प्लस दिस बाय 2 यानी कि थीटा बराबर 3 लैम्डा बाय 2a, फिर नेक्स्ट पोजीशन है 3 लैम्डा बाय a मिनिमा का, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन ले लीजिए 5 लैम्डा बाय 2a डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आप याद कर, यानी थीटा बराबर n लैम्डा बाय a, ये है पोजीशंस ऑफ मिनिमा। एंड थीटा बराबर, इसको देखिए ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2 है, इसको हम लोग n प्लस हाफ टाइम्स लैम्डा बाय a लिख दें। मैक्सिमा पोजीशंस के इसमें n का वैल्यूज क्या क्या डालेंगे वो क्लियर होना चाहिए, तब हम लोग n का वैल्यूज डालेंगे 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, 0 नहीं डालना है क्योंकि थीटा बराबर 0 पोजीशन पे मिनिमा नहीं है। थीटा बराबर लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई ए, और इसमें 1 डालिएगा, थीटा बराबर 3 बाई 2 टाइम्स लैम्डा बाई ए, 2 डालिएगा तो 5 बाई 2 टाइम्स लैम्डा बाई ए, इन इन पोजिशन से मैक्सिमा मिलेगा अदर देन दी सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए यहाँ फॉर्मूला में नहीं लिखा हुआ है, थीटा बराबर 0 पोजिशन जो है दैट इज द पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड दी ऑल दी अदर मैक्सिमाज का एंगुलर पोजिशन ये है लगभग, इट इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, एट दिस लेवल इतना ही हम लोग याद कर सकते हैं, पर्याप्त है।
एक चीज और पढ़ना है कि जैसे कोई एक लेंस है, सामने एक स्क्रीन है, एक पॉइंट सोर्स से लाइट ट्रेवल कर रहा है, इस लेंस के थ्रू ट्रेवल करता है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से क्रॉस करके लेंस को, और इवेंचुअली किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा होता है जहां इसका इमेज बनता है, सम पॉइंट ऑन द स्क्रीन। तो जो इमेज बनता है इट इज नॉट अ शार्प इमेज, वन सिंगल पॉइंट का एक पॉइंट इमेज नहीं बनता है, वो एक थोड़ा सा एक स्प्रेड जैसा एक ब्राइट डॉट बनेगा ऑफ सम रेडियस, उसके बाद एकदम डार्क किनारा होगा उसका, और फिर कुछ देर बाद एक ब्राइट रिंग बनेगा पतला सा, फिर कुछ बड़ा रेडियस का एक ब्राइट रिंग बनेगा, ऐसा पैटर्न बनता है स्क्रीन पे, इसको हम लोग एरी पैटर्न बोलते हैं। माने आपका जो ऑब्जेक्ट पॉइंट है दैट इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। हम लोग तो यही पढ़े हैं ना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कि एक लेंस के सामने में अगर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रख दीजिएगा तो उसका एक पॉइंट इमेज बनेगा स्क्रीन पे, आप ऑब्टेन कर सकते हैं एडजस्ट करके स्क्रीन के पोजीशन को, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का एक पॉइंट इमेज बनेगा। पर अब आपको बता रहे हैं कि नहीं, पॉइंट नहीं बनता है, और इस सब का कारण है डिफ्रैक्शन। हर पॉइंट से जो लाइट एंटर करता है लेंस में, नाउ ईच पॉइंट से जो रेज है, जो डिस्टरबेंस है, वो स्क्रीन के हर पोजीशन पे पहुंचता है। सो एक कंबाइंड इंटरफेरेंस इफेक्ट है, जिसको हम लोग अब डिफ्रैक्शन के नाम से पुकारेंगे, जब दो नहीं बल्कि इन्फिनाइटली लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज का इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट हो रहा हो तो उसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट है ये जिसके कारण आपको इस तरह का स्प्रेडिंग दिखता है लाइट का। अगर हम लेंस के सामने में दो ऑब्जेक्ट पॉइंट रख दें S1 एंड S2, दोनों से रोशनी निकल रहा है ऑफ सेम वेवलेंथ से लैम्डा, तो इन दोनों का जब हम पैटर्न ऑब्टेन करते हैं एक स्क्रीन पे, तो S1 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए यहां पे उसका इमेज पॉइंट बनना चाहिए, इस लेंस से सारा रेज रिफ्रैक्ट करके एंड इवेंचुअली यहां पे एक इमेज बनेगा एक पॉइंट, और S2 से आने वाला सारा रेज सब रिफ्रैक्ट करके इस लेंस से एंड इमेज यहां बनना चाहिए, शार्प इमेज S2 प्राइम एंड S1 प्राइम, पर बनता नहीं है, ये एक सर्कुलर पैच ऑफ लाइट जैसा दिखता है, इतना बड़ा नहीं, ऑल दिस डायमेंशन आर वेरी वेरी स्मॉल, और इसका भी एक सर्कुलर पैच ऑफ लाइट, और फिर एक डार्क बैंड दिखेगा। तो हम मान लीजिए कि किसी दो पॉइंट सोर्सेस को एक माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, या एक टेलीस्कोप से हम देख रहे हैं दो स्टार को, डिस्टिंक्ट स्टार्स को टेलीस्कोप से, तो हमारे आंख के अंदर दो डॉट्स बनना चाहिए, डिस्टिंक्ट डॉट्स, तभी हम समझ पाएंगे कि हम दो स्टार को देख रहे हैं। अगर ये दोनों स्टार काफी निकट हुआ तो ऐसा हो सकता है कि इस डॉट का जो इमेज बने और उस डॉट का जो इमेज पैटर्न बने वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, इस तरह से कुछ, कि इसका जो फर्स्ट मिनिमा है उसके सेंट्रल मैक्सिमा से कोइंसाइड कर जाए। एक पैटर्न का जो फर्स्ट मिनिमा है इसको हम लोग फर्स्ट मिनिमा बोलते हैं, जहां पे जाकर के एकदम डार्क बैंड मिलता है, जैसे इसको हम फर्स्ट मिनिमा बोलेंगे जो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ पहली बार जहां डार्कनेस मिलता। तो अगर एक स्टार का जो इमेज का जो पैटर्न है उसका जो फर्स्ट मिनिमा है वो दूसरे वाले स्टार के इमेज के पैटर्न के सेंट्रल मैक्सिमा से कोइंसाइड कर गया है, इस समय तक तो हमको ऐसा प्रतीत होगा कि आई एम लुकिंग एट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर इससे भी निकट कर दे दोनों स्टार्स को, मान लीजिए कि ये दोनों स्टार्स इससे भी निकट होता कि अब उनका पैटर्न एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, तब बिल्कुल हम नहीं समझ पाएंगे कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट सोर्सेस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसको बोलते हैं बेयरली रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व होना मतलब साफ साफ दो वस्तु का दिखना को रिजॉल्व होना बोलते हैं। तो
ऐसे स्थिति में हम बोलते हैं कि दे आर बेयरली रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व हुआ है। अगर दोनों स्टार्स के बीच का एंगुलर सेपरेशन थोड़ा और अधिक होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में एंगुलर सेपरेशन होगा उतना ज्यादा रिजॉल्व्ड इमेज हमको दिखेगा, अलग अलग इमेज दिखेगा। और जितना उनके बीच एंगुलर सेपरेशन कम होगा उतना ज्यादा उनका पैटर्न एक दूसरे पे ओवरलैप करने लगेगा और हमको अब दोनों स्टार्स का इमेज डिस्टिंक्ट नहीं दिखेगा। तो हम ऐसी स्थिति में कहते हैं कि इमेज इज नॉट रिजॉल्व्ड। तो हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन डेल्टा थीटा फॉर विच दीज टू पॉइंट सोर्सेज कैन बी सीन रिजॉल्व्ड। एक पर्टिकुलर एंगुलर विड्थ है, उससे कम अगर होगा इन दोनों के बीच का एंगुलर सेपरेशन तो अब उनका इमेज पैटर्न इससे भी निकट अगर हो गया तब हम कहते हैं कि दे आर नो मोर रिजॉल्व। दैट इज द कंडीशन फॉर रिजोल्यूशन। यानी कब हम कहेंगे कि दोनों बेयरली रिजॉल्व है? जब एक का फर्स्ट मिनिमा दूसरे के सेंट्रल मैक्सिमा से कोइंसाइड करे। फर्स्ट मिनिमा कोइंसाइड्स विथ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द अदर। फर्स्ट मिनिमा ऑफ वन कोइंसाइड्स विथ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द अदर। तब उस समय हम कहते हैं कि द इमेजेस आर बेयरली रिजॉल्व्ड। तो व्हाट इज द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट सोर्सेस ताकि वो रिजॉल्व हो सके? ये डिपेंड करता है इस लेंस के डायमीटर पे, अपर्चर डायमीटर। जो लाइट कलेक्ट करने वाला जो सर्कुलर अपर्चर है उसका डायमीटर, उस पर डिपेंड करता है दिस एंगल ऑफ रिजोल्यूशन बोलते हैं, जो कि प्रूफ नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहां लिखे हैं 1.22 टाइम्स लैम्डा बाई डी। ये दोनों पॉइंट सोर्सेस से आने वाला लाइट अगर लैम्डा वेवलेंथ का है और ये लेंस का अपर्चर डायमीटर अगर डी है तो दैट इज द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन दोनों के बीच में जो रिजॉल्व हो सकेगा इस लेंस के द्वारा। इससे कम एंगुलर सेपरेशन पे अगर दोनों स्टार होगा तो हमको नहीं दिखेगा, इस लेंस के मदद से तो नहीं दिखेगा, वी हैव टू यूज अ डिफरेंट लेंस। तो जिस लेंस का डायमीटर बड़ा हो उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा। जितना छोटा डेल्टा थीटा को भी वो रिजॉल्व कर सके, इसको क्लियरली समझना जरूरी है क्योंकि हमारे जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें हम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को देख सके अलग अलग, ये लिमिटेड है ड्यू टू डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स। अब वो हमारे इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को भी साफ साफ दिखा सके, यानी कितने नजदीक नजदीक के दो पॉइंट्स को भी वो रिजॉल्व कर सके। तो अभी हम लोग यहां देख रहे हैं कि लेंस का जो डायमीटर है वो जितना अधिक होगा उतना डेल्टा थीटा का वैल्यू छोटा आएगा, यानी उतना निकट दो पॉइंट सोर्सेस को भी वो रिजॉल्व कर सकेगा। याद रहे डेल्टा थीटा जितना छोटा हो सके उतना बेटर है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी उतना ज्यादा उसका रिजॉल्विंग पावर है। दिस एंगल इज अ मेजर ऑफ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मेजर ऑफ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और यहां ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं बेयरली रिजॉल्व्ड सिचुएशन। दो इमेज है ना, जब एक का फर्स्ट मिनिमा दूसरे के सेंट्रल मैक्सिमा से कोइंसाइड कर रहा हो इस समय तक हम कहेंगे कि द टू इमेजेस आर रिजॉल्व्ड। अब इससे निकट हो जाएगा तब हम कहेंगे कि दे आर नो मोर रिजॉल्व्ड। दैट इज द कंडीशन फॉर बीइंग सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व।
इन सब का हम लोग जो मैथमेटिकल एनालिसिस है वो नहीं डिस्कस कर सकते, हमको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना होगा। जैसे अभी यहां पे दीवार पे हम दो डॉट बना रहे हैं, एक डॉट और एक और डॉट बना दिए, पर आपका आंख का जो लेंस है वो क्या इन दोनों डॉट्स को रिजॉल्व कर पा रहा है, यानी आपके रेटिना पे क्या दो साफ साफ इमेजेस बन पा रहा है? इफ नॉट, तो हम कहेंगे कि माई लेंस इज नॉट एबल टू रिजॉल्व दीज टू डॉट्स। हम आपसे पूछ सकते हैं कि मिनिमम कितना डिस्टेंस पे अगर हम डॉट बना दें, मिनिमम कितना डिस्टेंस पे डॉट बनाएं ताकि आपका आंख रिजॉल्व कर सके, कैलकुलेट दैट मिनिमम डिस्टेंस। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। मान लीजिए कि यहां दो डॉट्स हैं, ये ह्यूमन आई का लेंस है, इन दोनों डॉट से रोशनी जाकर के रेटिना पे इमेज बनता है, इसका इमेज बनेगा, एक पैटर्न बन जाएगा उसी तरह का, वही एयरी पैटर्न, अ सेंट्रल मैक्सिमा, फिर एक डार्क रिंग, फिर पतला पतला कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखेगा, ब्राइट रिंग्स ऑफ वेरी फेंट इंटेंसिटीज, इसका अपना पैटर्न बनेगा। तो ये जो एंगल मेरा लेंस रिजॉल्व कर सकता है, मिनिमम एंगल, वो हमको पता है 1.22 टाइम्स हमारे जो अपर्चर है हमारा, जिससे लाइट कलेक्ट होता है मेरे आंख में, वो छोटा सा एक होल है बीच में जिसके थ्रू लाइट एंटर करता है, उसका हमको डायमीटर पता होना चाहिए, जिसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, आई डोंट नो दैट नंबर, वो यहां लिखेंगे। और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, मान लीजिए येलो लाइट है, 550 नैनोमीटर यहां लिख देंगे, वो डायमीटर फ्यू मिलीमीटर्स में है, ऐसे ही लिख रहे हैं, से 3 मिलीमीटर्स डायमीटर। तो इससे कम एंगुलर सेपरेशन वाला दो पॉइंट्स को नहीं रिजॉल्व कर पाएगा मेरा लेंस। इससे कम एंगल पे अगर कोई दो पॉइंट पोजिशन हो एंगुलर सेपरेशन पे, तो मेरा ये वाला लेंस नहीं रिजॉल्व कर पाएगा, यानी उन दोनों का डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बना पाएगा रेटिना पे। तो ये फिक्स्ड है। अब अगर हम मान लीजिए कि इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस पे हम खड़े हैं वो हम दे दें एल, हम पूछे हैं इन दोनों के बीच का दूरी बताइए, तो आप पहले पता लगा लिए यूजिंग दिस फॉर्मूला कि व्हाट इज द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन जो कि मेरा लेंस रिजॉल्व कर सकता है। अब एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए डेल्टा थीटा को, तो व्हाट यू गेट इज द मिनिमम सेपरेशन, डी मिनिमम बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विच कैन बी रिजॉल्व बाय माय लेंस। अब इससे निकट, अब ये संख्या मान लीजिए आता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप यहां खड़े होकर के देख रहे हैं तो और निकट दो पॉइंट्स को देख सकते हैं, यहां खड़े होकर देख रहे हैं तो और निकट दो पॉइंट्स को देख सकते हैं, यहां खड़े हो तो इतना निकट भी दो पॉइंट को देख सकते हैं। जैसे हम बोर्ड पे अभी दो डॉट यहां बनाए हैं, आप उतना दूर से आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब निकट आएंगे तो आपको दिखने लग जाएगा, मैंने आपका लेंस जो है उसको रिजॉल्व कर लेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ बताता है द मिनिमम एंगल दैट इट कैन रिजॉल्व इज 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द लेंस। एक और फिनोमेना ऑफ लाइट है जो हमको पढ़ना है, पोलराइजेशन बोलते हैं। ये सारा जो फिनोमेना हम लोग लाइट का पढ़ रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब लाइट के वेव प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि यहां पे मिनिमा होगा, यानी कि सारा वेव्स पहुंच करके वहां एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ये सब एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को वेव मॉडल ही चाहिए। So all these experiments can be successfully explained if we consider light to be a wave. ये एक source of light है जिससे रोशनी निकल रहा है, इससे disturbance सभी दिशाओं में propagate करता है, हम कोई एक दिशा में दिखाए हैं। तो light को हम लोग को अगर wave की तरह idealize करना है तो हम लोग इस तरह से idealize करते हैं कि इस दिशा में light अगर propagate कर रहा है with speed c, अगर फ्री स्पेस में है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इमेजिन करने के लिए आपको कहें।
ट्रांसवर्स मतलब प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उस प्लेन को हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स प्लेन में आप इमेजिन कीजिएगा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेटिंग कंटिन्यूअसली टाइम वेरी। ये स्पेस में कोई एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है सम वोल्ट पर मीटर, ग्रो करते 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 फिर घटते घटते जीरो, फिर ग्रो करते करते दूसरी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ दोनों ग्रो करता है, साथ साथ दोनों घटता है, फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, और हमेशा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो हमेशा पैरेलल होता है टू द वेलोसिटी वेक्टर। यानी अभी ई वेक्टर अगर उस तरफ है तो बी वेक्टर भी उस तरफ होगा, और ई और बी के मैग्नीट्यूड्स के बीच में भी रिलेशन होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू ई बाई सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सी। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटा होता है। तो लार्जली जब लाइट ट्रेवल करता है तो हम लोग बहुत बार मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ही वीक प्रोपेगेट करता है। बट वी शुड नो कि मैग्नेटिक फील्ड्स भी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कॉस ओमेगा टी जैसा एक फंक्शन है इस दिशा में है तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे दिशा में होगा, कुछ बी नॉट टाइम्स कॉस ओमेगा टी जैसा सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता हुआ। और एम्पलीट्यूड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का और एम्पलीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उसमें भी यही रिलेशन है। इनफैक्ट हर वक्त ये बात सत्य है, किसी भी वक्त जब इलेक्ट्रिक फील्ड घट के सम वोल्ट्स पर मीटर हो जाएगा उस वक्त हम पूछेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तुरंत बताना होगा, बस उसको सी से डिवाइड कर देना होगा। और ई का दिशा अगर किसी वक्त बता दे इधर है तो बी का दिशा नीचे है कि ऊपर है ये बताने में भी विलंब नहीं होना चाहिए। आपको ये बात याद रहे कि ई क्रॉस बी का दिशा हमेशा सी के दिशा में होना चाहिए। जब ई इधर हो जाएगा तो बी नीचे हो जाएगा, ताकि फिर वही ई क्रॉस बी शुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। लाइट को जब भी हम वेव की तरह इमेजिन करेंगे तो हम ऐसे ही इमेजिन करेंगे कि एक ट्रांसवर्स प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और वेव इस दिशा में प्रोपेगेट कर रहा है। बस सच्चाई यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक एक लाइन के अलाउंग नहीं बल्कि सभी अभी को भूल जाइए थोड़े के लिए, ऐसा ऐसी ऐसा ऐसी ऐसा ऐसी ऐसा ऐसी सभी डायरेक्शंस, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस आप सोचिए, सभी डायरेक्शंस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एंड ऑफ कोर्स सभी डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड है। ईच सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है वही प्रोड्यूस करता है अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इन जनरल क्या होता है कि लाइट जो प्रोपेगेट करता है वो ट्रांसवर्स प्लेन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर, प्लेन्स को ट्रांसवर्स प्लेन बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स प्लेन में द ई वेक्टर टेक्स ऑल डायरेक्शंस इन द ट्रांसवर्स प्लेन। इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड मतलब होता है अंग्रेजी शब्द है, उसका मतलब है इकट्ठा होना। अभी इकट्ठा नहीं है, सब चितराया हुआ है जिधर तिधर दिशा में। सब हम लोग पोलराइज शब्द से परिचित है, पहले भी हम लोग पोलराइज शब्द करते हैं, चार्जेस का पोलराइजेशन। एक कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, बस तुरंत इधर सब नेगेटिव चार्जेस सब इकट्ठा होगा, इधर पॉजिटिव चार्जेस सब पुष्ट होगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो अलाउ नहीं करता है फ्लो ऑफ चार्जेस, उनको भी रख दीजिए आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अंदर में अगर टाइनी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है ईच मॉलिक्यूल ऑफ द मटेरियल, उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस डिस्प्लेस्ड है, तो सब अलाइन कर जाता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एज इफ कि सब डाइपोल्स का जो टेल सब है एक तरफ, एज इफ कि यहां पे नेगेटिव चार्ज पोलराइज्ड हो गया हो और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया हो, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। सो पोलराइजेशन सब लोगों के लिए नया नहीं है। कुछ मटेरियल ऐसा है जिसके थ्रू जब ये लाइट प्रोपेगेट करेगा तो वो सिर्फ कोई एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को वो अलाउ करता है टू पास, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक इस तरह का एक बनाते हैं पतला पतला मेटल वायर्स, पतला पतला मेटल का वायर्स का एक फ्रेम बनाते हैं,
कि रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है और इसमें पतला पतला कॉपर का तार सब इस पार से उस पार बांध दिए हैं। अब देखिए इस तरफ से अनपोलराइज्ड लाइट माने सभी डायरेक्शंस में ऑसिलेट करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट कर रहा है। जब इस वायर फ्रेम को क्रॉस करेगा ये, तो अब क्या होगा, देखिए जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है वाइब्रेट करता हुआ क्रॉस कर रहा है, तो उस मेटल वायर के अंदर में फ्री चार्ज पार्टिकल्स है जो मूव कर सकता है फ्रीली, तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये वाला कंपोनेंट है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में बांट दीजिए, तो ये वाला कंपोनेंट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद ऑसिलेट करने लगेगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पास कर जाएगा अनएब्जॉर्ब्ड, यानी इस पार आपको सिर्फ इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होगा, हर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को देखिए, उसका एक कंपोनेंट ले लीजिए अलोंग दीज वायर्स, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब इस पार देखिएगा कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स पोलराइज्ड दिखेगा आपको। इस मटेरियल को बोलते हैं पोलराइजर या पोलराइजिंग फिल्टर, और जिस डायरेक्शन के पैरेलल वाला कंपोनेंट सबको ये अलाउ करता है टू पास, उस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग एक्सिस। अब आपको इनके बनावट से मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट पास कर जाएगा। तो हम ऐसा ऐसा वर्टिकल लाइंस इमेजिन कीजिए, उसको हम लोग कहेंगे इस पोलराइजिंग फिल्टर का पोलराइजिंग एक्सिस। अब यहां पर एक चित्र बनाए हैं, एक पोलराइजिंग फिल्टर दिखाए हैं और ये पोलराइजिंग एक्सिस दिखा रहे हैं। अगर इसका मतलब है कि इसके पैरेलल डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड केवल पास करेगा ये, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस वाले कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसके बनावट को भूल जाइए, अब इस लाइट को कहेंगे पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का डेफिनेशन दिए है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टेक्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इन द ट्रांसवर्स प्लेन, देन द लाइट इज सेड टू बी अनपोलराइज्ड। अगर इसका इंटेंसिटी आई नॉट है, माने एनर्जी जो कैरी कर रहा है ना ये वे पर सेकेंड पर यूनिट एरिया आई नॉट है, तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, अब कुछ ही इधर निकला, तो वो हम बड़ी सरलता से प्रूफ कर सकते हैं कि वो इधर आधा इंटेंसिटी का लाइट सिर्फ निकलता है। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉस थीटा कॉम्पोनेंट एब्जॉर्ब हो जाता है, साइन थीटा क्रॉस कर जाता है, सभी का, हर वेक्टर का कुछ एब्जॉर्ब कुछ। तो हम एवरेज वैल्यू निकाल के दिखा सकते हैं, जो पास करने वाला कंपोनेंट्स है वो ई नॉट साइन थीटा, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, और इसका जो एवरेज वैल्यू होता है हाफ, दिस इज आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा हाफ, तो एवरेज वैल्यू हो गया हाफ ऑफ आई नॉट, आई एवरेज इक्वल हाफ आई नॉट। ये सब प्रूफ्स आपसे नहीं कोई पूछने जा रहा है एग्जाम में, आपको रिजल्ट याद रखना है कि अनपोलराइज्ड लाइट जब एक पोलराइजिंग फिल्टर के थ्रू क्रॉस करता है, अब इधर पोलराइज्ड लाइट है, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्फाइंड टू ओनली वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ई वेक्टर इज कन्फाइंड टू ओनली वन डायरेक्शन, वही पैरेलल टू द पोलराइजिंग एक्सिस, इसका इंटेंसिटी आधा हो जाता है। इसमें एक छोटा सा लॉ है, मालूज लॉ, MALU apostrophe S, मालूज लॉ। अब यहां पे एक पोलराइज्ड लाइट है ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, अब कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, मैंने अभी ये पोलराइज्ड लाइट हो गया ना, अब इसका इंटेंसिटी को अगर हम आई नॉट कहें, और इसके रास्ते में हम एक और पोलराइजिंग फिल्टर लगा दें जिसका पोलराइजिंग एक्सिस ये है, ऐसे 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 है पोलराइजिंग एक्सिस, माने हम इस पोलराइजर को थोड़ा रोटेट कर दिए हैं, यहां एक और पोलराइजर लगा दिए, इस पोलराइजर से थीटा एंगल पे रोटेटेड है उसका पोलराइजिंग एक्सिस। तो अब ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसको क्रॉस करेगा, तो इन सब का फिर वही जो कॉम्पोनेंट्स पैरेलल टू द पोलराइजिंग एक्सिस होगा वो पास कर जाएगा, जो परपेंडिकुलर टू द पोलराइजिंग एक्सिस होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि अभी इनका इंटेंसिटी अगर आई नॉट है,
तो अब इस पार जो रोशनी निकलेगा वो कितना एनर्जी कैरी कर रहा होगा, कुछ अब्सॉर्ब हो गया है, तो वही बालूज लॉ है, द इंटेंसिटी ऑन दिस साइड विल बी इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। थीटा क्लियर होना चाहिए, इधर पोलराइज लाइट है, जिस डायरेक्शन में पोलराइज है और ये पोलराइजिंग फिल्टर का जो पोलराइजिंग एक्सिस है उनके बीच एंगल को अगर थीटा कहें तो इंटेंसिटी इस पार अगर आई नॉट है तो इस पार घट गया, आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई सम फ्रैक्शन कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ वही, अगर एम्पलीट्यूड ई नॉट है तो ई नॉट कॉस थीटा एम्पलीट्यूड का आपको इस तरफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रॉस करेगा और उसको स्क्वायर कर दीजिए तो इंटेंसिटी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉल्ड मालूज लॉ। और एक लॉ है ब्रूस्टर्स लॉ, BREWSTER, ब्रूस्टर्स लॉ। वो ये कहता है कि कोई एक इंटरफेस दिखाए हैं सेपरेटिंग टू मीडियम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस μ1 एंड μ2। अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करता है, इस बाउंड्री से टकराता है, अनपोलराइज्ड लाइट को देखिए ऐसे दिखाए हैं, ये अनपोलराइज्ड लाइट है तो यहां डॉट और ऐसे एरोज दिखाए हैं, ये दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ऐसी भी है, ऐसा ऐसी भी है, और बाकी सबको कैसे दिखाएं। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने का तरीका यही है, अगर हम लाइट को ऐसे दिखा दिए और डॉट दिखा दिए और ऐसे दिखा दिए तो आपको समझना है कि सब पॉसिबल डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं। और जब हमको पोलराइज्ड लाइट दिखाना होगा तो कोई एक चीज दिखाएंगे, डॉट और एरो दोनों नहीं दिखाएंगे। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट जब इस इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होता है और कुछ ट्रांसमिट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, एक पर्टिकुलर एंगल है ऑफ इंसिडेंस, उसको थीटा पी सिंबल से डिनोट किए हैं, पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं, उस एंगल पे अगर ये रे इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो 100% पोलराइज्ड हो जाता है। और उसका डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन देखिए हम दिए हैं कि किस दिशा में पोलराइज्ड होगा, सारा एक ही दिशा में इकट्ठा हो गया है, वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। पोलराइज्ड लाइट है पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, जिस प्लेन में लाई करता है उस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स अब ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड लाइट अभी भी अनपोलराइज्ड है, उसमें अभी भी सभी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपको मिल रहा है ऑसिलेट करता हुआ, पर ये सिर्फ एक ही सिचुएशन में होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पी के बराबर हो। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे आप मान लीजिए यहां पे खड़े होकर के देख रहे हैं किसी सरफेस पे रोशनी इंसिडेंट हुआ, टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंख में घुसा, तो जितना इंटेंसिटी का ये रोशनी था एक्चुअल, आपको उससे कम चमक का रोशनी दिखेगा। अगर पोलराइजेशन हो जाए तो आधा एब्जॉर्ब हो गया, आधा ही आपके आंख तक पहुंच रहा है, लेकिन वो एक खास एंगल है थीटा पी जिसमें कि ऐसा होता है 100% पोलराइजेशन हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे। अब वो पोलराइजेशन का जो डायरेक्शन है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्टेड रे इज स्टिल अनपोलराइज्ड, वो एंगल कितना है, दैट इज ब्रूस्टर्स लॉ। ही सेड, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, कि जिस समय रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ठीक उसी समय होता है, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो जाए, हर समय नहीं होगा ये, लेट अस कैलकुलेट कि ऐसा कब होगा। इस एंगल को हम थीटा पी कहें, ये एंगल थीटा पी, ये 90 यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तब होना चाहिए 90 माइनस थीटा पी। अब म्यू वन टाइम्स साइन थीटा पी को हम इक्वेट करें म्यू टू टाइम्स साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा पी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ विच इज कॉस थीटा पी। अब साइन थीटा पी बटे कॉस थीटा पी को लिख दे टेन थीटा पी बराबर म्यू टू बाई म्यू वन एंड वी गेट एंगल ऑफ पोलराइजेशन टेन इनवर्स ऑफ म्यू टू बाई म्यू वन,
टैन इनवर्स ऑफ म्यू टू बाई म्यू वन, जिस मीडियम में रे है उसको वन बोले, जिसमें रिफ्लेक्ट होने वाला है उसको टू बोले। ये फॉर्मूला हम लोग को रटना है। अगर यही रे मीडियम टू से ट्रेवल करता हुआ मीडियम वन की तरफ जा रहा हूं, सेम पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन, तो अब किस एंगल पे ऐसा होगा? 100% पोलराइजेशन होगा रिफ्लेक्टेड लाइट का। रिफ्रैक्टेड लाइट नहीं होता है पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड लाइट 100% पोलराइज्ड हो जाए, ऐसा कब होगा? कितने एंगल? अगर ये अब म्यू वन है और ये म्यू टू है, तो फिर से प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तभी होगा जब थीटा पी बराबर टैन इनवर्स ऑफ म्यू वन बाई म्यू टू। चलिए हम लोग यही समाप्त करते हैं।